चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। वैसे तो मेरठ किसी परिचय का मोहताज नहीं है, किंतु फिर भी यदि मेरठ के संबंध में कुछ बताया जाए तो आज उत्तर प्रदेश में जितना विकास मेरठ ने कर लिया है उतना सिर्फ लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद या कुछ कुछ कानपुर में नजर आता है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का पांचवां सबसे बड़ा शहर, 18 लाख की विशाल जनसंख्या का गृहनगर, यूपी 15 से पंजीकृत होने वाले वाहनों का अधिकृत जनपद, मेरठ मंडल, मेरठ जोन एवं मेरठ जिले का मुख्यालय, 1803 में स्थापित उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैन्य छावनी परिषद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, सुभारती विश्वविद्यालय, शोभित विश्वविद्यालय, IIMT विश्वविद्यालय, विद्या विश्वविद्यालय, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों का स्वामी, 3 दर्जन से अधिक महाविद्यालयों, प्रोफेशनल कॉलेजों का ठिकाना, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, बुलंदशहर मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, मेरठ करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 6 राष्ट्रीय राजमार्गों का जंक्शन पॉइंट, बहुप्रतीक्षित दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का मुख्य केंद्र मेरठ शहर। तो आइए इस ऐतिहासिक महान क्रांतिकारी भूमि की यात्रा को प्रारंभ करते हैं शहर के दिल और उत्तर प्रदेश के सबसे व्यस्त चौराहों में एक बेगमपुल चौक से। इस चौराहे से शहर के प्रत्येक भाग में मुख्य सड़कें प्रस्थान करती हैं। उत्तर में रुड़की रोड, दक्षिण में बेगम ब्रिज रोड, दक्षिण पश्चिम में दिल्ली रोड, पूर्व में कचहरी मार्ग एवं PL शर्मा रोड एवं पश्चिम की सड़क आबू लेन के रूप में पहचानी जाती है। आबू लेन मेरठ का सबसे आधुनिक बाजार है। इसकी तुलना यूरोप के बाजारों से की जाती है। यह मेरठ छावनी क्षेत्र में आता है। इस मार्ग पर अनगिनत शोरूम स्थापित हैं। मेरठ शहर को कुल 15 थाना क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। आधुनिक इतिहास की बात करें तो 1803 में जिला प्रणाली लागू होने पर मेरठ को सहारनपुर जिले की एक तहसील के रूप में पहचाना गया, किंतु अंग्रेजों को इस विशाल भूभाग में एक नए जनपद की आवश्यकता दिखाई पड़ी और 15 वर्षों बाद ही 1818 में इसे जिला घोषित कर दिया गया। उस समय आज की दिल्ली का शाहदरा एवं गाजियाबाद, बागपत, हापुड़ मेरठ जनपद का ही भाग थे। आबू लेन अपने पश्चिमी छोर पर सदर घंटाघर चौक पर जोड़ती है। जहां दक्षिण में सदर बाजार स्थित है, यह बाजार भी मेरठ छावनी क्षेत्र का हिस्सा है एवं मुख्य बाजारों में एक है, जो सदर दाल मंडी, गंज बाजार इत्यादि कई भागों में विभाजित है। सदर बाजार उत्तर में सदर घंटाघर से दक्षिण में सदर थाना तक फैला हुआ है। आबू लेन के निकट ही बॉम्बे बाजार स्थित है, जहाँ सुप्रसिद्ध हनुमान चौक स्थित है। सदर घंटाघर चौक से दक्षिण में वेस्टर्न रोड प्रारंभ होता है, जिसके निकट मेरठ का ऐतिहासिक औगड़नाथ मंदिर स्थित है, जिसे काली पलटन मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत इसी स्थान से हुई थी, जिसने अंग्रेजी शासन की चूल चूल को हिला डाला था। बेगमपुल चौक से दक्षिण में बेगम ब्रिज रोड शहर के आधुनिक बाजारों में शुमार होती है। यह मुख्य सड़क बेगमपुल चौक को हापुड़ अड्डा से जोड़ने वाली बेहद मुख्य सड़क है। भव्य बहुमंजिला इमारतें, साफ एवं स्वच्छ उच्च स्तरीय सड़कें मेरठ की भव्यता का दर्शन कराती हैं। 1911 में दिल्ली की राजधानी बनने से पूर्व शाहदरा मेरठ जिले का ही भाग था। 1976 में मेरठ जिले की गाजियाबाद एवं हापुड़ तहसीलों एवं बुलंदशहर जिले के दादरी नोएडा क्षेत्र को जोड़कर गाजियाबाद जिले की स्थापना की गई थी। 1997 में बागपत जिला और कभी मेरठ की तहसील रहा हापुड़ भी 2011 में जिला घोषित कर दिया गया। बेगम ब्रिज रोड, राजकीय इंटर कॉलेज, छीपी टैंक होकर शहर के एक मुख्य चौराहे बच्चा पार्क चौराहा पर पहुंचता है। यहां दक्षिण में बुढ़ाना गेट, दक्षिण पश्चिम में फिल्मिस्तान रोड प्रारंभ होता है, जो खैरनगर चौराहा से जोड़ता है। उत्तर पूर्व में जाने वाला पश्चिमी कचहरी मार्ग लगभग 1 किलोमीटर सफर तय करके कचहरी चौराहा पर जोड़ता है।
जहां मेरठ का जिला न्यायालय स्थित है। कचहरी चौक से थोड़ा आगे चौधरी चरण सिंह चौक स्थित है, जहां से साकेत, अंबेडकर चौक एवं सिविल लाइन क्षेत्र में मुख्य सड़कें जाती हैं। चौधरी चरण सिंह चौराहे पर ही ऐतिहासिक मेरठ कॉलेज का परिसर स्थित है, जिसका निर्माण 1892 में किया गया था। 1965 में मेरठ विश्वविद्यालय बनने पर विश्वविद्यालय का परिसर भी यहीं संचालित होता था। बच्चा पार्क चौक से दक्षिण पूर्व में हापुड़ अड्डा की ओर कुछ ही दूरी पर इविस चौराहा स्थित है, जहां उत्तर पूर्व की ओर जाने वाली सड़क पूर्वी कचहरी मार्ग के रूप में जानी जाती है। इविस से दक्षिण पश्चिम में बुढ़ाना गेट स्थित है। हापुड़ अड्डा की ओर बढ़ते हुए शाहपीर गेट एवं सूरजकुंड रोड तिराहा से होकर शहर के बेहद मुख्य चौराहे हापुड़ अड्डा चौराहा से गुजरता है। इस चौराहे से दक्षिण की ओर सड़क हापुड़ अथवा बुलंदशहर रोड, पश्चिम की ओर सड़क गोलघर एवं लेसाड़ी गेट चौराहा की ओर एवं पूर्व की ओर जाने वाली सड़क गढ़ रोड के रूप में पहचानी जाती है। गढ़ रोड भी शहर के बेहद विकसित क्षेत्रों में एक है। इस मार्ग पर गांधी आश्रम चौराहा एवं सोहराब गेट बस अड्डा स्थित है। सड़क पर दोनों ओर अनेकों वाणिज्यिक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बड़ी संख्या में दिखाई पड़ते हैं। गढ़ रोड तेजगढ़ी चौराहा एवं मेडिकल कॉलेज होकर गढ़ की ओर प्रस्थान कर जाता है। गढ़ रोड से सटा हुआ शास्त्री नगर क्षेत्र है, जो मेरठ के बेहद पॉश क्षेत्रों में गिना जाता है। शास्त्री नगर में सेंट्रल मार्केट एवं नई सड़क बेहद विकसित बाजारों में गिने जाते हैं। बुलंदशहर रोड स्थित एल ब्लॉक तिराहा से प्रारंभ होने वाली शास्त्री नगर बाईपास रोड, पीवीएस मॉल एवं तेजगढ़ी चौराहा होकर यूनिवर्सिटी रोड से जुड़ती है। यहाँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित है। यह सड़क जेल चुंगी साकेत क्षेत्रों से गुजरते हुए साकेत चौराहा से जुड़ती है, जहाँ से उत्तर पूर्व की सड़क मवाना रोड के रूप में मवाना बिजनौर की ओर प्रस्थान कर जाती है। बच्चा पार्क चौराहा से दक्षिण में स्थित बुढ़ाना गेट चौराहा शहर के पुराने इलाकों में एक है। यहाँ पूर्व में इंदिरा चौक से आने वाली सड़क पश्चिम में खैरनगर चौराहा एवं जली कोठी की ओर निकल जाती है। बुढ़ाना गेट से दक्षिण में सुभाष बाजार स्थित है, जो मेरठ के पुराने बाजारों में एक है। इस बाजार के दक्षिणी छोर पर कोतवाली मेरठ स्थित है, जो शहर का सबसे पुराना थाना है। कोतवाली से दक्षिण की सड़क लेसाड़ी गेट चौराहा की ओर एवं पश्चिम में पुरानी तहसील रोड, गुदड़ी बाजार, बजाजा बाजार होकर शहर सर्राफा बाजार में पहुंच जाता है। मेरठ का सर्राफा बाजार उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सर्राफा बाजारों में एक है। यह बाजार पश्चिम में वैली बाजार से जुड़ता है। वैली बाजार भी मेरठ के पुराने बाजारों में एक है। इसके दक्षिण में कबाड़ी बाजार स्थित है, जो दक्षिणी छोर पर दिल्ली गेट चौराहा से जोड़ता है। वैली बाजार से उत्तर में खैरनगर बाजार स्थित है। यह बाजार मुख्यतः दवाइयों का थोक बाजार है, जो उत्तरी छोर पर खैरनगर चौराहा तक फैला हुआ है। खैरनगर चौराहा बेहद व्यस्त चौराहा है, जहां बुढ़ाना गेट से आने वाली सड़क छतरीवाला पीर होकर जली कोठी क्षेत्र से होते हुए दिल्ली रोड स्थित जली कोठी चौराहा से जुड़ जाती है। बच्चा पार्क चौराहा से आने वाला फिल्मिस्तान रोड भी खैरनगर चौराहा से जुड़ता है। दिल्ली की ओर से आने वाली मुख्य सड़क परतापुर से शहर में प्रवेश करती है, जहां शताब्दी नगर, दैनिक जागरण चौराहा, शोप्रिक्स मॉल, नवीन मंडी, ट्रांसपोर्ट नगर तिराहा इत्यादि होकर बागपत अड्डा चौराहा पर पहुँचती है। यह चौराहा बेहद व्यस्त एवं मुख्य चौराहा है। यहाँ बागपत की ओर से आने वाला मार्ग ट्रांसपोर्ट नगर थाना इत्यादि होकर दिल्ली रोड से जुड़ जाता है। इस चौराहे पर दिल्ली रोड उत्तर की ओर बेगमपुल की ओर निकल जाता है, जबकि पूर्व की ओर का मार्ग दिल्ली गेट की ओर प्रवेश करता है। दिल्ली गेट चौराहा से शारदा रोड, कबाड़ी बाजार एवं भूमिया पुल की ओर सड़कें जाती हैं। बागपत अड्डा से उत्तर में बेगमपुल की ओर बढ़ते हुए दिल्ली रोड ईदगाह रोड चौराहा से होकर दिल्ली रोड चौराहा पर पहुंचता है। रेलवे रोड चौराहा शहर के बेहद व्यस्त चौराहों में एक है। यहां पूर्व की ओर कुछ ही दूरी पर शहर का ऐतिहासिक घंटाघर चौराहा स्थित है। यहां ऐतिहासिक घंटाघर मेरठ की शान है। इसी चौराहे के निकट
नगर निगम स्थित है। घंटाघर से उत्तर में जिला अस्पताल एवं छतरी वाला पीर और पूर्व में खैर नगर और वैली बाजार से जुड़ा हुआ है। रेलवे रोड चौराहा से पश्चिम में रेलवे रोड पर लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने पर मेरठ नगर जंक्शन स्थित है। यह मेरठ शहर का सबसे मुख्य रेलवे स्टेशन है। यहाँ दिल्ली सहारनपुर एवं खुर्जा जंक्शन को रेलवे मार्ग प्रारंभ होता है। रेलवे रोड चौराहा से उत्तर में बढ़ते हुए दिल्ली रोड पूर्वा महावीर केसरगंज चौराहा गोलचा सिनेमा फैज़ेआम इंटर कॉलेज होते हुए जलीकोठी चौराहा से जुड़ता है, जहां से पूर्व की सड़क जलीकोठी होकर खैरनगर बुढ़ाना गेट में प्रवेश करती है। पश्चिम में वेस्ट एंड रोड से जुड़ने वाली एक सड़क जाती है। जलीकोठी चौराहा से उत्तर में बढ़ते हुए कुछ दूरी तय करने के पश्चात मेरठ डिपो बस स्टैंड आदि से होकर दिल्ली रोड सूतीगंज में प्रवेश करता है, जहां गुरुद्वारा रोड तिराहा इत्यादि से होते हुए यह मुख्य सड़क बेगमपुल चौराहा से जुड़ जाती है। बेगमपुल से रुड़की रोड पर कुछ ही दूरी पर एक और मुख्य चौराहा शिवाजी चौक स्थित है, जहां पश्चिम में लाल कुर्ती साकेत चौराहा होकर मवाना की ओर राजमार्ग जाता है। लाल कुर्ती बेगमपुल पर लगने वाला पैंट एरिया बाजार भी बेहद मशहूर है। रुड़की रोड पर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर गांधी बाग चौराहा स्थित है, जहां ऐतिहासिक गांधी बाग स्थित है, जिसे अंग्रेजी काल में कंपनी गार्डन के रूप में पहचाना जाता था। गांधी बाग चौराहा से गुजरने वाली माल रोड छावनी क्षेत्र की जीवन रेखा के रूप में पहचानी जाती है, जो पूर्व में साकेत चौराहा से पश्चिम में भगत चौक तक विशाल आकार में फैली हुई है। कंपनी बाग से उत्तर की ओर रुड़की रोड लगभग 4 किलोमीटर सफर तय करके डौरली क्षेत्र से गुजरता है और मेरठ बाईपास स्थित मोदीपुरम में पहुंचता है, जहां यह NH-58 बाईपास से जुड़कर शहर की मोदीपुरम पल्लवपुरम आवासीय योजना से होकर मुजफ्फरनगर रुड़की हरिद्वार देहरादून की ओर प्रस्थान कर जाता है। कंपनी बाग के निकट ही एक सड़क उत्तर पश्चिम की ओर सरधना रोड के रूप में जानी जाती है, जो कंकरखेड़ा क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह सड़क NH-58 बाईपास को पार करके सरधना शामली करनाल की ओर निकल जाती है। कंकरखेड़ा से सटा हुआ मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन स्थित है। इस रेलवे स्टेशन को मुख्यतः छावनी क्षेत्र के लिए विकसित किया गया था। दिल्ली से आने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग मेरठ के पश्चिम से बाईपास होकर लगभग 18 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, जो परतापुर से प्रारंभ होकर मोदीपुरम तक फैला हुआ है। यह मार्ग मेरठ बागपत मेरठ बड़ौत मेरठ करनाल मुख्य मार्गों को क्रॉस करता है। इस बाईपास पर अनगिनत आवासीय योजनाएं एवं कॉलेज विकसित हो चुके हैं। मेरठ में पूर्व समय में लगभग 25 से अधिक सिनेमाघर संचालित होते थे, जिनमें अब मात्र 4-5 सिनेमाघर ही बचे हुए हैं। यहाँ वर्तमान में 3 मॉल भी संचालन में हैं। मेरठ जैसे सुंदर शहर को कैमरे में कैद करना एक सौभाग्य का विषय था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरठ पर बना यह डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो आपके हृदय एवं मेरठ से जुड़े हुए हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।